आप सभी नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मुसलमानों में महिलाओं का हिजाब क्या है और हिजाब को लेकर विवाद क्यों है। देखिए, काफ़ी इस टाइम काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं देश के अंदर कि मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को स्कूल या कॉलेजों में हिजाब पहनने पर काफ़ी विवाद होता है और देश में भी इस तरह के विवाद होते रहते हैं। तो आज की जो बात करते हैं, मैं सीधा बात करता हूँ मुसलमानों की पवित्र कुरान जो किताब है कुरान मजीद, उसमें महिलाओं और उनसे जुड़ी हुई बातों पर कई बार जिक्र किया गया है। मोटे तौर पर महिलाओं की इज्जत को लेकर कुरान में कई बातें कही गई हैं। रही बात पर्दे की, तो पर्दा इस्लाम में औरतों के लिए ही नहीं मर्दों के लिए भी होता है। ये पर्दा होता है नज़रों का है। इस तरह से समझिए कि इस्लाम में बेहयाई और बेशर्मी की कोई जगह नहीं। कुरान के नियम जो हैं औरतों और मर्दों के लिए बराबर हैं, मतलब दोनों के लिए हैं। चलो पहले शुरू करते हैं मर्दों के नियम से। मर्द में क्या होता है? इस्लाम में जो होता है मर्दों के लिए भी पर्दा है। कुरान के मुताबिक मर्दों के लिए नाम हरम, यानी कि वो औरतें जो उसके घर की नहीं है उनको देखना मना है। मर्द अगर किसी नामहरम औरत के सामने पड़ जाए तो उसे अपनी आंखें नीचे करनी पड़ेगी। किसी मजबूरी के अलावा नामहरम को देखना गलत माना गया है। इसके अलावा मर्दों का पहनावा ऐसा होना चाहिए कि उसमें शर्मगाह, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट या प्राइवेट हेयर जो है, मतलब बाल जो है, वो ढके हो और ऐसे कपड़े ना पहने हो जिससे कोई महिला उसकी तरफ, मतलब कुछ नियत जो होती है वो गलत नियत से आकर्षित हो। ठीक है ना, समझ गया? मतलब जेंट्स भी ऐसा कपड़ा पहनेगा कि वो अपना प्राइवेट पार्ट और उसके प्राइवेट हेयर जो है वो ना दिखे। अब इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा क्या है? देखिए, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, हो सके तो पूरा देखिएगा। अगर आप ये पूरा जानना चाहते हैं कि क्या होता है हिजाब और हिजाब के लिए क्या दिक्कत है, और ये आपको पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको बता रहा हूँ ऐसा कि जिसमें आपके जो भी फ्रेंड्स हो, मोमदन फ्रेंड्स हैं, हिंदू फ्रेंड्स हो, हिंदुओं को भी जानकारी हो जाएगी कि ये क्या है, और मुसलमानों को तो लाइकली पता ही होगा। और फिर भी अगर हो सके कि मैं कुछ गलत हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपने सभी भाइयों से। चलिए, इस्लाम में औरतों के लिए क्या है पर्दा? ठीक है, औरतों के लिए पर्दा क्या है? जो नियम कायदे मर्दों के लिए ही, वैसे ही नियम कायदे औरतों के लिए। किसी भी औरत के लिए नामहरम को देखना गलत माना गया है। नामहरम समझिए ना, अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा कोई भी किसी दूसरी औरत या दूसरे आदमी को देखना नामहरम कहलाता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत है। इसके अलावा महिला ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कोई मर्द उसकी ओर आकर्षित हो, मसलन बहुत टाइट कपड़े या छोटे कपड़े या जैसे नॉर्मली पहनती है आजकल की लड़कियाँ। औरतों के लिए अपने सर के बाल ढक कर रखने को जो है अच्छा माना गया है, जिसकी मिसाल दुनिया के दूसरे धर्मों में भी मिलती है। हमारे हिंदुओं में भी होता है कि घूंघट में रहते हैं, यहाँ तक सिखों में होता है कि वो दस्तावर, मतलब पगड़ी पहनते हैं और सर पे चुन्नी पूरे ढकते गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। तो ये हर उसके अंदर है कि लड़कियां जो हैं वो अपने बालों को ढक के रहें। इसकी वजह आपने देखा होगा कई इस्लामिक देशों की जो लड़कियां हैं वो फुटबॉल भी सर ढक के चलती हैं, प्लेन उड़ाती हैं वो भी सर ढक के उड़ाती हैं, है ना। तो एक ये चीज़ है। अब कितने प्रकार के पर्दे होते हैं? देखिए, मुस्लिम औरतों में कई पर्दे जो हैं उसका चलन होता है, जैसे हिजाब, नकाब, बुरका, दुपट्टा, शॉल। हालांकि देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं, पर जो है असल में सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं।
अब हिजाब की बात करते हैं, आजकल काफी चल रहा है ना, हर कोई जानना चाहता है क्या है हिजाब। देखिए हिजाब असल में बालों को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े को कहते हैं। ये चेहरे के पूरी तरफ से मतलब इर्द गिर्द मतलब इस तरह से बंधा होता है जिससे मुस्लिम लड़की या महिला के सिर के बाल ढके होते हैं और उस कपड़े का एक हिस्सा गर्दन को ढक लेता है जिससे महिला का चेहरा दिखता रहता है। ये हो गया हिजाब। ठीक है, अब बात करते हैं नकाब की। नकाब क्या है? आसान शब्दों में समझिए, हिजाब का एक एक्सटेंडेड रूप है। जैसे हिजाब में जो ढका हुआ है सिर के बाल कान और गर्दन के अलावा आंखों को छोड़कर मतलब सिर्फ इतना पार्ट रह जाता है, ये पूरा कंप्लीट बन और सिर्फ आईज रह जाती है। ये जैसे मेरा चश्मा है लाइक है, इसमें आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि नकाब हटाने का जिक्र होता है क्योंकि इसमें सिर्फ महिला की आईज नजर आती है, समझिए। अब होता है अगला जो है बुर्का। नकाब और हिजाब के अलग एक बुर्का एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें हथेली पैर और आंखों को छोड़कर शरीर का सारा हिस्सा ढका होता है, यानी कि सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के बाद आंखों के ऊपर एक आंखों पर एक पर्दा किया जाता है और उसमें जो होता है एक जालीदार कपड़ा होता है, मतलब बस हाथ और पैर आपके नजर आते हैं और ऊपर भी जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे जो महिलाएं होती हैं वो बाहर देख सकें, उनके शरीर का कोई अंग नहीं दिखाई देता। और कई मुल्क मुस्लिम देशों में और इस्लामिक साहित्यों में इसे अबाया का नाम दिया गया है, अबाया। अब एक और बात बताता हूं, अल अमीरा। यूं तो हिजाब और अल अमीरा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता और अल अमीरा भी एक तरह का हिजाब होता है। इसमें फर्क होता है, इसमें दो हिस्सों में होता है, एक कपड़े को हुड्डी की तरह सर पर पहना लिया जाता है और दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसमें सिर को लपेट कर सीने को ढक लिया जाता है, मतलब यहां से फिर ऐसे। और आजकल कई कंपनियां जो हैं ब्रांडेड कंपनियां जो हैं अल अमीरा भी निकाल रही हैं। और भी कई प्रकार के पर्दे होते हैं, जैसे कि मुस्लिम औरतों में पर्दे के लिए सबसे ज्यादा और सबसे आसान तरीका जो है वो है दुपट्टा, जो नॉर्मल है, काफी आम होता है। ये एक तरह से लंबा स्कार्फ होता है जिसमें सर ढक जाता है, कंधे पर भी रहता है और फैशन के अनुसार जो है लड़कियां महिलाएं अपनी ड्रेस के अनुसार मतलब जैसा ड्रेस पहनते हैं उससे मैच करके पहन लेते हैं। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसे ढीले ढाले तरीके से ओढ़ा जाता है। तो यूं तो इस्लाम में तमाम जद्दोजहद जो है सिर्फ इसलिए है ताकि गैर मर्दों की गलत नियत जो है वो औरतों पर ना पड़े, जिससे वो किसी भी तरह के विवाद में मतलब फंसे, या मतलब उन्होंने औरतों की सुरक्षा को निश्चित किया है इस्लाम के अंदर, बेशर्मी से बेहयाई से बचने के लिए। हालांकि पर्दे का विरोध करने वाले इसे महिलाओं की आजादी का नाम दे रहे हैं, महिलाओं की आजादी पर हमला कह रहे हैं, पर यही चीज हम लोगों के साथ भी है दोस्तों। क्या है, हिंदुओं में घूंघट होता है, सरदारों में दस्तावर कहते हैं पगड़ी और औरतें पूरा सर ढकती हैं। ये हम लोगों का अपना एक कोई ट्रेडिशन नहीं है कि मोमदनों में ये पहनाया जाता है कि आप हिजाब पहनिए, या सरदारों में वो है, हिंदुओं में भी है कि घूंघट रखिए। आपको याद होगा हमारी माताजी आज भी घूंघट करती हैं कोई बाहर का जाता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे यहाँ तक मतलब उनका सिर्फ ये इतना हिस्सा नजर आता है, इतना हिस्सा। तो
देखते हैं क्या होता है। ये मेरी तरफ से जितनी मुझे जानकारी थी, ये मैंने हिजाब के लिए और मुसलमानों के लिए कितने प्रकार के पर्दे होते हैं इस तरह से बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता ही है। बाकी अगर मेरे से कुछ भी इसमें गलत हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हालांकि कोशिश तो यही है, कुछ मैंने गलत नहीं बोला है। अब इसमें लास्ट में एक बात और बोलूँगा कि कुरान की जो बात, मतलब उसमें पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं, बल्कि पुरुष और महिलाओं के बीच के पर्दे से। मैंने आपको बताया नाम हरम से आदमियों को भी नाम हरम, यानी कि अगर आपके सामने दूसरे की बीवी है तो आप अपनी पलके नीचे कर देंगे, इसे नाम हरम कहते हैं। ऐसी औरत के लिए अगर आपका पति नहीं है कोई और गैर आदमी है तो आप नीचे कर देंगे। तो ये है पर्दे और हिजाब की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पूछिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।